हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्नू। मेरा चैनल यमी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम शिमला मिर्च और आलू की चटपटी सूखी सब्जी बनाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। अभी हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को थोड़ा गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसी समय हम हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर लेंगे। जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है, इसी समय हम बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर लेंगे। अभी हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, इसी समय हम अदरक लहसुन को कूट कर मैंने डाला है, दरदरा ऐसे कूट लिया है। सब्जी में ऐसे कूटा हुआ अदरक लहसुन बहुत टेस्टी लगता है, इसे भी हम साथ में फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। अभी हम आलू में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून सॉल्ट यूज कर लेंगे। अभी हम सब्जी को 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अभी हम एक बार फिर से आलू को इसे पलट देंगे। अभी हम इसमें बारीक कटे हुए हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और टमाटर ऐड कर लेंगे। अभी हम इसको फिर से 1 से 2 मिनट के लिए ढक लेंगे ताकि हमारा टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। अभी हमारा टमाटर जो है अच्छे से गल चुका है आलू के साथ, इसी समय हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि आलू फ्राई करते समय हमने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया था, तो अभी हम हाफ टी स्पून और ऐड करेंगे। अभी हम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से सब्जी को 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अभी हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर। अभी हम सब्जी में सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम सब्जी में बारीक कटे हुए धनिया भी ऐड कर लेंगे। अभी हम सब्जी को ढकेंगे नहीं, ऐसे ही खुले में थोड़ा 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अभी हमारा शिमला मिर्च और आलू की चटपटी सब्जी बनकर रेडी हो गई, सूखी सब्जी। आप इसे गरम गरम पूरी, पराठा या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर मेरा रेसिपी आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।